हमारा क्वेश्चन है अ व्हील ऑफ मास टेन के जी एंड रेडियस ट्वेंटी सेंटीमीटर इज रोटेटिंग एट एन एंगुलर स्पीड ऑफ हंड्रेड रेवोल्यूशन पर मिनट वेन द मोटर इज टर्न ऑफ नगलेक्टिंग द फ्रिक्शन एट द एक्सेल कैलकुलेट द फोर्स दैट मस्ट बी अप्लाइड टेंजेंशियली टू द व्हील टू ब्रिंग इट टू रेस्ट इन टेन रेवोल्यूशन ठीक है तो हमें यहाँ पे क्या बोला है देखो तो हमारा ओमेगा नॉट कितना यानी कि इनिशियल एंगुलर स्पीड कितनी है हंड्रेड आर पी एम ठीक है यानी कि हंड्रेड इंटू टू पाई बाय सिक्सटी रेडियन पर सेकेंड है ना यही होगा तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास टेन पाई बाय थ्री रेडियन पर सेकेंड ठीक है रेडियन पर सेकेंड में निकाल लिया और फाइनली वो किस में आ रहा है रेस्ट में आ रहा है फाइनली वो रेस्ट में आ गया तो ज़ीरो और थीटा हमारा कितना हो जाएगा टेन रेवोल्यूशन बोला है टेन रेवोल्यूशन में रुकना चाहिए यानी कि ट्वेंटी पाई रेडियन थीटा हो जाएगा हमारा ठीक है तो यहाँ से हम अल्फ़ा निकाल सकते हैं अल्फा क्या आएगा हमारा ओमेगा फाइनल इक्वल्स टू ओमेगा फाइनल स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस टू अल्फा थीटा तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करने पे क्या आ जाएगा ज़ीरो इक्वल्स टू हंड्रेड पाई स्क्वायर अपॉन नाइन प्लस टू इंटू अल्फ़ा इंटू ट्वेंटी तो यहाँ से हमारे पास अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी आ जाएगा माइनस फाइव पाई बाय एटीन रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर ठीक है ये माइनस इसलिए आ रहा है क्योंकि ये क्या क्या है रिटार्डेशन है ठीक है अब यहाँ से क्या करेंगे हम यहाँ से मोमेंट ऑफ़ एनर्शिया निकालेंगे मोमेंट ऑफ़ इनर्शिया का फॉर्मूला हमें पता है जो कि क्या होता है आई इक्ल्स टू हाफ़ एम आर स्क्वा ठीक है तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करने के बाद आई इक्ल्स टू हाफ़ मास कितना है टेन के जी रेडियस उसका है पॉइंट टू मीटर ट्वेंटी सेंटीमीटर यानी कि पॉइंट टू मीटर तो ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो फोर स्क्वायर करके आ जाएगा तो हमारे पास आई की वैल्यू क्या आएगी ये आ जाएगा पॉइंट टू के जी मीटर स्क्वायर ठीक है अब ये जो आई आया हमारा हम इसको इक्वेट कर सकते हैं हमें हमारा टॉर्क किसके होता है आई अल्फ़ा के और साथ ही साथ टॉर्क और किसके होता है? फोर्स इन परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो हमारा रेडियस है क्योंकि जो फोर्स है वो टेंजेंशियली लग रहा है व्हील पे तो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेंटर के रिस्पेक्ट में रेडियस ही होगा तो यहाँ से ही आ गया हमारा आई अल्फा इक्वल्स टू आई आई अल्फा के इक्वल हो जाएगा ये ठीक है बस अब इक्वेट करना है हमें इक्वेट करके वैल्यू लिख दो जो भी आएगी तो ये होगा फोर्स हमें निकालना है रेडियस हो जाएगा पॉइंट टू इक्वल्स टू पॉइंट टू इनटू फाइव पाइ बाय एटीन तो ये आ जाएगा हमारे पास फोर्स आ गया हमारा फाइव पाइ बाय एटीन यानी कि पॉइंट एट सेवन न्यूटन तो ये हमारा आंसर जो टेंजेंशनली फोर्स लगेगी उसकी वैल्यू है पॉइंट एट सेवन न्यूटन इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं